इंकलाब के नारों से, हम भी उसको ध्वस्त करेंगे एकताबद्ध कतारों से। चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। जी सर, एनएचएल वाले बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका आरोप है कि एक भी वालों को यहाँ मीटिंग होती है जबकि एनएचएल वालों को परमिशन दी गई है, उनको पता है कि उसमें बैठकर एक भी वाले कार्यक्रम कर रहे हैं। पहली बात तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि गेस्ट हाउस के इंचार्ज प्रोफेसर वी के सारस्वत जी और यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार श्री संजीव कुमार सिंह जी ने किसी भी संगठन को, छात्र संगठन को यहाँ इस गेस्ट हाउस के मीटिंग हॉल में बैठकर मीटिंग करने की परमिशन नहीं दी। और एनएसयूआई जिस फोटोग्राफ्स को हम सभी को दिखा रहे हैं और उसका परीक्षण करने के पश्चात कार्रवाई की जाएगी, विश्वविद्यालय की ओर से किसी छात्र संगठन को मीटिंग हॉल जिसमें माननीय कुलपति जी मीटिंग्स लेते हैं और ये एक ऑफिशियल मीटिंग हॉल है, हम किसी व्यक्तिगत संगठन को या किसी छात्र संगठन को या किसी भी प्रकार के अन्य संगठन को या बाहरी संगठन को यहाँ पर मीटिंग करने की अनुमति नहीं देते, ये विश्वविद्यालय की पॉलिसी है। अगर जांच में सिद्ध होता है कि संगठन एवीपी संगठन ने यहाँ पर बैठक की है और प्रिंसिपल जो यहाँ पर बैठक की है तो कुलपति कहते हैं तो क्या कुछ कार्रवाई होगी? देखिए, मेरा क्षेत्र नहीं है, मेरा क्षेत्र अनुशासन का क्षेत्र है, परंतु ये क्षेत्र और ये बात जरूर बनती है रजिस्ट्रार के स्तर पर या माननीय कुलपति जी के स्तर पर, अगर उनकी चेयर पर कोई बैठ के मीटिंग ले रहा है जिसमें विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी का कोई अनुमति नहीं है तो यह गंभीर प्रकरण बनता है। और दो तीन दिन सर पहले आप भी गौरव शर्मा, शासक अध्यक्ष आगरा विश्वविद्यालय, प्रदेश उपाध्यक्ष एनएसयूआई। गौरव जी, यहाँ क्यों बैठे हैं आप, क्या मामला है? देखिए, विश्वविद्यालय परिसर में सत्ता के बिल्कुल कार्यालय बना दिया गया है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यालय बना दिया गया है। जब उनका मन होता है तो वो बिना परमिशन के किसी भी कक्ष में जाके या किसी भी हॉल में जाके अपनी मीटिंग करते हैं। अभी 5 दिन पूर्व उन्होंने एक ऐसा कृत्य किया गया है जो कुलपति के सम्मान को ठेस पहुंचाता है। अतिथि गृह में जो मीटिंग हॉल है उसमें जो कुलपति महोदय की जो कुर्सी पड़ी रहती है उस पर कोई भी दूसरा अधिकारी नहीं बैठता है, उस पर उनके अधिकारियों ने, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने बैठ कर मीटिंग की है और ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। लेकिन यहाँ के जो चीफ प्रॉक्टर है वो मना कर रहे हैं कि ऐसा कोई परमिशन दी नहीं है। देखिए, बिल्कुल सही बात है, ये लोग सत्ता के दबाव में काम कर रहे हैं। अभी 2 दिन पूर्व विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने छात्रों के साथ मारपीट की, तब भी ये सरकार के दबाव में आकर समझौता करा दिया गया। लेकिन 10 तारीख को एनएसयूआई छात्र संगठन ने रजिस्ट्रार महोदय को एक मीटिंग करने के लिए गेस्ट हाउस में परमिशन लेटर दिया, लेकिन उस लेटर को ये यहाँ से वहाँ घुमाते रहे और आज तक, आज की हमारा समय था, हमारी प्रदेश कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी की मीटिंग होनी थी, लेकिन अब जब हम आए इन्होंने जानबूझकर टेंडर प्रक्रिया की मीटिंग इस हॉल में रखी कि एनएसयूआई को ये हॉल ना देना पड़े। और हमारी विश्वविद्यालय प्रशासन से ये मांग है कि जिन लोगों ने ये कृत्य किया है, शर्मनाक घटना की है कुलपति महोदय के साथ, उन पर तुरंत से तुरंत कार्रवाई और FIR दर्ज होनी चाहिए। जो भी लोग इस अतिथि गृह के जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और किसी भी संगठन को या तो परमिशन के साथ हॉल की मीटिंग करने के लिए परमिशन दी जाए या फिर किसी भी संगठन को नहीं दी जाए। जब तक ये मांगे मानी नहीं जाएंगी, आगे इन लोगों पर कार्रवाई नहीं हो जाएगी, उन लोगों पर जो मीटिंग करके गए हैं उन पर FIR ना होगी, NSY आंदोलन करती रहेगी। और इस विश्वविद्यालय को, छात्रों के इस मंदिर को RSS और विद्यार्थी परिषद और भाजपा का कार्यालय नहीं बनने देगी। ठीक, कार्रवाई की बात तो यह है कि विश्वविद्यालय परिसर के अंदर विश्वविद्यालय का प्रशासन इतना मूर्खदर्शक बना हुआ है कि सत्ता के दबाव में लगातार काम कर रहा है, एक विश्वविद्यालय के अतिथि गृह में आके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मीटिंग कर जाता है और विश्वविद्यालय प्रशासन का जवाब रहता है कि हमें पता ही नहीं कि कैसे मीटिंग करके, कल तो यहाँ पे भगवा वस्त्र पहन के ISI का मीटिंग कर जाएगा, इन्हें पता ही नहीं रहेगा क्या जवाब देंगे। ये विश्वविद्यालय के मंदिर को इन्होंने अखाड़ा बना रखा है राजनीति का, कभी यहाँ विद्यार्थी परिषद के लोग मारपीट करते हैं, फिर उनसे मुकदमा वापस ले लेते हैं, फिर मुकदमा कराते हैं, कहीं उन्हें सस्पेंड करते हैं, कहीं नहीं करते हैं। इन्होंने सत्ता के दबाव में पूरी तरह से काम कर रहे हैं। NSY ने 10 तारीख को अपने लेटर पर, ज्ञापन पर ये दिया था कि हम 10 तारीख आने वाली शनिवार को यहाँ पर प्रदेश कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी की बैठक करेंगे और हमने परमिशन भी ली, वो लेटर फुटबॉल की तरह विश्वविद्यालय में घूमता रहा लेकिन हमें परमिशन नहीं मिली। आज NSY प्रदेश के पदाधिकारी और जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं लेकिन हमें परमिशन नहीं दी जा रही है।